तो करें स्टार्ट फिर पढ़ाई आज की। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपना 10th चैप्टर, दैट इज लाइट। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने इस चैप्टर में? हमने अभी तक पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन, फिर स्फेरिकल मिरर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। देखो क्या है, कॉनकेव मिरर में किस टाइप से इमेज बनती है, कहां पे बनती है, कैसे बनती है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनेगी, उससे पहले यह पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी भी मिरर के सामने, अभी हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉनवेक्स हो, दोनों के लिए हम ये रूल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर में अगर हम लाइट रे को किस तरीके से फेंके, लाइट रे टकराने के बाद कैसे पास होगी, किस पॉइंट से पास होगी, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमें मालूम होगा, लाइट का पाथ मालूम होगा कि लाइट को ऐसे फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगी, यहां टकराएगी, इस पॉइंट से पास होगी, जब ये सारे रूल्स हमें मालूम होंगे ना, तभी हम इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे कॉनकेव मिरर का। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो या कॉनवेक्स मिरर हो, इवन लेंस जब हम पढ़ेंगे तो लेंस में भी हमें ये रूल्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि लाइट किस रास्ते से आएगी, टकराने के बाद किस रास्ते पे जाएगी, ये मालूम होना चाहिए हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में लाइट किस तरीके से अपने पाथ ट्रेवल करेगी, है ना, बिफोर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन उस लाइट का क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो तो इसमें कुछ 3 से 4 केसेस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे तो 3 केसेस ही काफी हैं, ठीक है, बट है टोटल 4 केसेस। 4 केसेस हमें पढ़ने हैं, उन 4 केसेस से हमें मालूम पड़ जाएगा कि लाइट का पाथ कैसे कैसे जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर है, तो फर्स्ट पाथ हम देखते हैं कि अगर लाइट रे हमारी कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, है ना, सपोज ये लाइट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन होती है जो बीच में से पास आउट होती है ना, पोल से पास आउट होती है इमेजिनरी लाइन। अगर हम उस इमेजिनरी लाइन के पैरेलली लाइट को फेंकेंगे, पैरेलली लाइट को स्ट्राइक कराएंगे, तो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास आउट होगी, तो ये हमारा पहला रूल है। क्लियर है, ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट रूल। क्या कह रहा है इस रूल में, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्या बोल रहा है, अगर कॉनकेव मिरर में कोई लाइट रे पैरेलली आती है तो वो टकराने के बाद फोकस से पास होगी। ठीक है, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, है ना, अपर्चर, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो तो किस तरीके से पास आउट होगी, अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज माय कॉनकेव मिरर, ठीक है, कैसा होता है, इसको हम बाहर से पेंट करते हैं, ठीक है, पॉलिश कर देते हैं इस तरीके से। सपोज दिस इज माय पोल, ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, हालांकि इसको हम डॉटेड से बनाते हैं, बट कोई नहीं, अभी डॉटेड से ना बनाते हुए हम लोग इसको डार्क बनाते हैं। ठीक है, चलो सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज फोकस। ठीक है, क्या करना है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, रे क्या होता है, रे और बीम में क्या डिफरेंस है, तो देखो रे, जब हम एक सिंगल लाइट का पाथ, सिंगल लाइट के पाथ को कंसिडर करते हैं तब हम उसको बोलते हैं रे, और जब बहुत सारी लाइट रे साथ में जाती हैं, जब बहुत सारे लाइट के पाथ एक साथ जाते हैं तो उसको बोलते हैं बीम। जस्ट लाइक दिस, सपोज लाइट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, तो ये हो गया आपका रे। ठीक है, बट एक साथ काफी सारी रे इस तरीके से जा रही हैं तो ये बन जाएगा आपका बीम। क्लियर हुआ ये डिफरेंस। अब हम रे क्यों लेते हैं, तो देखो यार, सपोज जैसे ये लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं,
ठीक है, सपोज ये लाइट्स मेरे से टकरा रही आके, तो बहुत सारी लाइट मेरे से टकराएगी, तो अब मैं सारी लाइट रे थोड़ी ना बनाने बैठ जाऊंगा। कल ही मैंने बताया था, लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था, जहां भी दो लाइट रे आपस में टकराती हैं, जहां भी दो लाइट रे आपस में टकराती हैं, इमेज हमेशा वहीं बनती है। रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी दो लाइट रे आपस में टकराती है, इमेज हमेशा वहीं बनती है। तो मुझे तो सिर्फ दो से ही मतलब है ना, मैं सारी थोड़ी ना बनाऊंगा। अब इस बल्ब से, इस ट्यूबलाइट से, ये जितनी भी लाइट्स लगी हैं, इनसे मेरे ऊपर करोड़ों अरबों लाइट रे आ रही हैं, तो सारी थोड़ी ना बनाने बैठ जाऊंगा मैं, तो अपनी कन्वीनियंसी के लिए दो ही बनाऊंगा ना। क्लियर है? चलो, तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास आउट होगी। एरो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन को आपको शो करना पड़ेगा। तो ये है हमारा पहला पॉइंट, ये है हमारा पहला पॉइंट, पहला रूल। क्लियर हुआ? अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो टकराने के बाद वो फोकस से पास आउट होगी। ठीक है? अब अगर आपको इसमें, सर इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो ही नहीं हो रहा, अरे हो रहा है भाई, हो रहा है। देखो इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, याद रखना सेंटर से जब भी आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी आप मिरर के पास लाइन ड्रॉ करोगे स्ट्रेट, वो हमेशा नॉर्मल होगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लाइन ड्रॉ करोगे स्ट्रेट, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, ये वो लाइन होगी जो नॉर्मल बनाएगा, यानी 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर हुआ? अब इसको मेजर करोगे ना, सपोज ये हमारा एंगल आई है, तो ये हमारा एंगल आर है। अगर ये 20 डिग्री पे फेंका है तुमने, ठीक है, अगर ये 20 डिग्री पे आ रहा है, नॉर्मल के 20 डिग्री पे आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये भी 20 डिग्री पे ही वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा तो कहां से निकलेगा पास होके, फोकस से पास होगा। ठीक है? तो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई भी लॉ को, ऐसा नहीं है कि लॉ को फॉलो ही नहीं करेगा, लॉ को ओबे नहीं करेगा, सारे लॉ को ओबे करेंगे, क्योंकि ये हमारी कैसी है, प्लेन और पॉलिश सरफेस है, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है प्लेन और पॉलिश सरफेस पे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, तो रूल टू क्या है, रूल टू कहता है अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस रूल इज जस्ट अपोजिट टू रूल वन, ये बिल्कुल रूल वन का अपोजिट है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, रूल वन में क्या कहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से पास होगा, ये जस्ट उसका उल्टा कहता है कि फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। ठीक है? तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, सपोज ये इसका मिड पॉइंट है, लाइट स्ट्रेट नहीं आ रही, स्ट्रेट कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस से हमने क्या किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है कौन, फोकस। अब हमें क्या करना है, फोकस से लाइट को पास कराना है, फोकस से लाइट को पास कराना है, तो कराते हैं। देखो इसमें नीचे से भी डाल सकते हो, ऊपर से भी लाइट को पास करा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तो फोकस से कराते हैं। ये गई लाइट है फोकस से पास, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। टकराने के बाद ये क्या कर जाएगी, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है? ये है हमारा सेकंड रूल, पैरेलल लग रहा है ना, लग रहा है, थोड़ा बहुत तो लग रहा है। ठीक है? तो ये है हमारा सेकंड रूल, पहले रूल का जस्ट उल्टा। पहले रूल में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालो, टकराने के बाद फोकस से पास। इसमें क्या कह रहा है, फोकस से डालो, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पास, सेकंड रूल का जस्ट अपोजिट। इसमें भी आप देख सकते हो सेम, इसमें भी वही एंगल बनेगा, कुछ नहीं करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल डाल दो, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है? वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है, उसको इतना ज्यादा इशू नहीं है कि आपको एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाओगे ना, इनके बीच का प्रॉपर डिस्टेंस होगा, हर एक चीज प्रॉपर मेजरमेंट के साथ होगा स्केल से, तो आपका हमेशा आंसर सही आएगा जब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे। तो मेजरमेंट करने नहीं बैठना हमें कि 20 डिग्री है तो 20 डिग्री से ही वापस आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ सेकंड रूल? थर्ड रूल पे चले। ओके नाउ, सो दिस इज रूल नंबर 3। ठीक है? तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, सुन लेते हैं एक बार।
ठीक है, क्या कह रहा है ये, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो टकराने के बाद वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएगी। ठीक है यार, देखो बहुत इजी है, ठीक है, ऐसा कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो टफ है, थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा लोगे तो इजी है, वरना वो लास्ट वीडियो में कहानी सुनाई थी ना, वो सबने सुनी है, जो वही शेर वाली, राजा हो तुम कल को, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हो, राजा बन गए, कहीं को नेता बन गए, कुछ भी बन गए सपोज, आता जाता कुछ है नहीं, ठीक है, कल को किसी ने कुछ पूछ लिया, चार लोगों के सामने कुछ पूछ लिया, बेइज्जती हो जाएगी, सेम वही हाल होगा, राजा बने बैठे हो, एक खरगोश आके तुम्हें मार के चला गया, फिजिक्स पढ़ी थी अगले बंदे ने, है ना, तो देख लो फिजिक्स का कितना यूज है। ठीक है चलो, जानवर तक पढ़ रहे हैं हमारे, खरगोश शेर चीता वगैरह, क्लियर है। तो अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, सपोज दिस इज अवर कॉनकेव मिरर, सही बना है, चलो पोल, दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज अवर फोकस। क्या बोल रहा है वो, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, अच्छा ये लाइट रे कैसे जा रही, कौन लाइट है, ये लाइट है कौन, तो देखो ये लाइट हम लोग हैं, ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज हमें देखनी है, जैसे सुबह सुबह उठ के हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं कि नहीं देखते, सुबह उठ के देखते हैं ना, सबसे पहले क्या, सबसे पहले आज तो सॉरी आजकल तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल उठाते हैं, कुछ उठे ना उठे सबसे पहले मोबाइल हाथ में जरूर उठा लेते हैं, आंखें खुलने से पहले मोबाइल उठा के आंखें ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, है ना, तो उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो मेरे ख्याल से तो यही होता है कि जाओ बाल बाल सेट करो शीशे के सामने। तो एक्चुअल में लाइट कौन, लाइट कहां से पास आउट हो रही है, लाइट हमारे अंदर से पास आउट हो रही है, हाँ हम लोग नॉन ल्यूमिनस हैं, हमारे से टकरा रही है, हमसे टकरा के मिरर पे जा रही है, तो जब हमसे टकरा के मिरर पे लाइट जाएगी तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो सीधे सीधे जाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कुछ लाइट रे टकरा के फोकस से जा रही होगी, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, कभी कहीं से जाएगी, कभी कहीं से जाएगी, तो हम वो सारी कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि लाइट अगर यहां से जाएगी तो क्या होगा, फोकस से जाएगी तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो क्या होगा, डायरेक्ट मिरर पे गिरेगी तो क्या होगा, वो सारी कंडीशंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर कंडीशंस में पैरेलल नहीं जाएंगी, है ना, क्लियर है। चलो तो इस बार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिराते हैं, ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ठीक है, पास कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्या बोल रहा है, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी उसी रास्ते वापस, जिस रास्ते आए उसी रास्ते से वापस घर को चल दो, तो इस रास्ते से आए वापस ये चल दिए, एरो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दूसरा सॉरी पहला क्वेश्चन आप लोगों से कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम डाल रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वापस क्यों जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से डाला था तो वापस नहीं गई, फोकस से डाला तो भी वापस नहीं गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लाइट हमारी वापस जा रही है, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं यार, यस सर सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल बनाता है, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी अभी आपने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के साथ नॉर्मल बनाता है, और जब भी हम नॉर्मल पे लाइट डालेंगे तो कितने एंगल पे जाएगी, चेक कर लेते हैं, सपोज ये मेरा कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से समझ लेते हैं, जो प्लेन मिरर में होगा वही सारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो सब में फॉलो होता है ना सेम, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल हो, ठीक है, ये मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल कितना बनाता है, नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, नॉर्मल कितना बनाता है 90 डिग्री, मैं लाइट को नॉर्मली फेंकता हूं, अगर मैं लाइट को नॉर्मली फेंकता हूं, ये मेरी लाइट आई नॉर्मली, अब मुझे ये बताओ टकराने के बाद कहां वापस जाएगी, कितने एंगल पे जाएगी, सोचो सोचो सोचो, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे या 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जाएगी लाइट टकराने के बाद वापस, 180 डिग्री पे जाएगी या 0 डिग्री पे जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना बच्चों से मोस्टली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इसका आंसर 90 डिग्री देते हैं, अब यही दिमाग लगाने वाली बात है जो कि मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, वो क्या देखते हैं जल्दबाजी में कि ये 90 डिग्री बन रहा है, लाइट ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री, अरे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हमें एंगल को हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर नहीं करना है,
एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर होता है, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ। अब ध्यान से देखो, अगर ये कोई लाइट है, एंगल क्या होता है, एंगल किसको बोलते हैं, प्लेन एंगल। एंगल जब कोई भी लाइट, कोई भी एक लाइट, सपोज ये एक लाइट है, मेरा हाथ एक लाइट है, लाइन है, लाइन है, सपोज इसके ऊपर एक दूसरी लाइन है, ठीक है। अब जब क्या हाथ ले लो, चलो हाथ ले लो, सपोज ये हाथ मेरा एक लाइन है और ये वाला हाथ मेरा दूसरी लाइन है, ये दोनों अभी सुपर इम्पोज है, बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो कॉमन सेंस ही बात है सर, कोई एंगल बन ही नहीं रहा, जीरो डिग्री है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब धीरे धीरे मैं इस वाले हाथ को वैसे ही रख रहा हूं, इस वाले हाथ को बेंड कर रहा हूं, यानी इंक्लाइन कर रहा हूं धीरे धीरे। और ध्यान से देखो, धीरे धीरे एंगल बनता जा रहा है, धीरे धीरे एंगल बनता जा रहा है, ये बनता गया, ये बनता गया, ये बनता गया, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल कब बनता है, जब दो लाइन के बीच में सेपरेशन होता है, जब दो लाइन के बीच में सेपरेशन होता है। अब हमें मेजरमेंट कहां से करना है, हॉरिजॉन्टल से तो करना नहीं है, हमें वर्टिकल लाइन से मेजरमेंट करना है, यानी नॉर्मल से मेजरमेंट करना है। तो नॉर्मल वाली भी लाइन वही है, बॉल को फेंकने वाली लाइन भी वही है, बॉल कह रहा हूं, हाँ बॉल, बॉल से भी समझ सकते हो, अभी समझाऊंगा मैं, लाइट को फेंकने वाली लाइन भी वही है। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर जाएगी तो एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री होगा, ना कि 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ जीरो डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, जीरो डिग्री। अब देखो ये आई 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 और टकरा के वापस चली गई। तो जब नॉर्मल के ऊपर आई बन रहा है, नॉर्मल के ऊपर ही आर बन रहा है, यानी एक ही लाइन के ऊपर आई बन रहा है, एक ही लाइन के ऊपर आर बन रहा है, तो भी तो एंगल जीरो हुआ। या बोल सकते हो अगर एंगल आई जीरो है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से एंगल आर भी कितना हो जाएगा, जीरो। अरे एंगल तो तभी बनेगा ना जब आप नॉर्मल से या तो इधर हो या नॉर्मल से इधर हो। अभी बताया था ना सेपरेशन होना जरूरी है दो लाइन के बीच में, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें कैसा, ये बता रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल। अरे ऐसे कर लो, चलो ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है तुम लोगों का, ऐसे कर लो, ये नॉर्मल है, ये दूसरी लाइन है, ये नॉर्मल है, ये दूसरी लाइन है, इनके बीच में एंगल कब बनेगा, जब ये नॉर्मल से सेपरेट होगा तब एंगल बनेगा। देखो जीरो डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये बन गया 90। और जैसे जैसे कम होता जाएगा 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। अब आया समझ में, अब जब लाइट रे ऐसे ही जा आ रही है और ऐसे ही जा रही है तो एंगल कितना हुआ, एंगल जीरो डिग्री हुआ ना। तो इसीलिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू जीरो डिग्री। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो बॉल वाले एग्जाम्पल से, मेरे पास एक बॉल है, मैंने इस बॉल को नीचे टिप्पा मारा तो क्या होगा, बॉल इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी या ऊपर आएगी, सिंपल सी बात है, बॉल अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, है ना, रिफ्लेक्ट होकर सेम उसी पाथ पे वापस से आ जाएगी। आपने फेंका जीरो डिग्री, बॉल आ गई वापस जीरो डिग्री पे। अब इसको 90 डिग्री मत बोलना क्योंकि हम हमेशा नॉर्मल से ही मेजरमेंट कर रहे हैं। और मैं लाइट को सॉरी बॉल को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉप कर रहा हूं तो वो नॉर्मल पे ही तो गिरेगी, सरफेस के 90 डिग्री वाली लाइन है उसी पे तो गिरेगी, क्लियर है, तो जीरो डिग्री होता है, ठीक है। तो याद रखना, अब मैंने ऑलरेडी बता रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बनाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के साथ नॉर्मल बनाता है, और जब नॉर्मल पे ही इंसिडेंट होता है तो कितना एंगल बनता है, जीरो। सेम उसी पाथ पे रिट्रेस कर लेंगे तो एंगल आर भी कितना, जीरो, क्लियर हुआ। तो जब भी हम नॉर्मल पे फेंकते हैं तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, जस्ट लाइक बॉल, जस्ट लाइक बॉल। अगर आप बॉल को नॉर्मली फेंकोगे तो बॉल वापस आ जाएगी टकरा के आपके पास ही बिल्कुल। तो सिमिलरली यहां पे लाइट को जब आप नॉर्मली फेंकोगे तो लाइट भी टकरा के वापस आ जाएगी। सो दिस इज अवर थर्ड केस। नाउ कम टू द लास्ट केस, दैट इज रूल नंबर 4। ये हमारा रूल नंबर 3 था, इसको रफ कर देता हूं मैं, रूल नंबर 4 पढ़ते हैं, क्लियर हुआ यहां तक। सो दिस इज अवर रूल नंबर 4। क्या है रूल नंबर 4, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पॉइंट पी। पी कौन सा पॉइंट होता है, हमारा पोल, ठीक है। अगर हम किसी भी लाइट को डायरेक्ट पोल पे फेंकते हैं तो क्या होगा, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, यानी आपने जिस एंगल पे फेंका है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। देख लेते हैं किस तरीके से। सपोज ये मेरा मिरर है, जैसा दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है मिरर जैसा, चलो कोई नहीं, देखो फील आना चाहिए पूरा, ठीक है, फील भावनाओं में छुपा होता है डायग्राम में, ये बात याद रखना। चलो
ये हो गया फोकस हमारा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा, ठीक है। क्या बोला है, लाइट जो है उसको हमने ऑब्लिकली फेंका, किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, फेंक दो भाई ऑब्लिकली। अब सर ये ऑब्लिकली क्या होता है, सर ये ऑब्लिकली क्या होता है, तो आंसर है ऑब्लिकली जो होता है, क्या होता है, क्या होता है ऑब्लिकली, हाँ ऑब्लिकली वो एंगल जो 90 डिग्री का मल्टीपल नहीं है, वो एंगल जो 90 डिग्री का मल्टीपल नहीं है, यानी एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच का, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का, तो 90, 180, 270, 360 है ना, इनको छोड़ दो, वो ऑब्लिक एंगल नहीं होंगे, इसके साथ इसके पास सारे ऑब्लिक एंगल होते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो क्या बोला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यार कॉमन सेंस है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो गई ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के पास जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के पास जो लाइन जाती है वो क्या बनाती है, नॉर्मल, नॉर्मल से, अब क्योंकि प्लेन है ऑलरेडी, मिरर हमारा प्लेन है, प्लेन पे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता ही है, ये नॉर्मल हो गया, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जिस भी एंगल पे आपने फेंका है 30, 40, 50 उसी एंगल पे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, दिस इज आर एंड एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये है हमारा फोर्थ केस जो कि कहता है अगर आप लाइट डायरेक्ट पोल पे फेंकोगे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट अगर पोल पे आप इंसिडेंट कराओगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, जिस भी एंगल पे आप, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर केस में फॉलो हो रहा है लेकिन स्पेशली इसमें देखो दिख भी रहा है ना, जैसे हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर की वजह से जो हमारी लाइट है वो सेम एंगल पे, जिस एंगल पे हमने इंसिडेंट कराई है उसी एंगल पे सेम रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी इस डायरेक्शन में, क्लियर हुआ। तो ये चार रूल हमें पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन्हीं सारी रूल की हेल्प से हम लोग कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन तैयार करेंगे कि अगर हम इधर खड़े होंगे तो हमारी इमेज कहां बनेगी, उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी, बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, यस ये सब होता है कॉनकेव मिरर में देखने को मिलता है, हमारी इमेज हमसे छोटी मिलती है, हमारी इमेज हमसे भी बड़ी मिलती है, कभी हमारी इमेज मिरर पे ना आते हुए स्क्रीन पे आती है, कभी हमारी इमेज मिरर के अंदर आती है ना, कभी उल्टी बनती है कभी, तो ये सारे जितने भी अलग अलग ये हो रहा है ना, जो भी ये सारी चीजें हो रही, जो भी सारे चेंजेस आ रहे हैं इमेजेस में, वो सारे चेंजेस हम इन्हीं रूल्स की वजह से कवर कर पाएंगे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल, क्लियर हुआ। सो आई होप आपको ये सारे के सारे रूल समझ में आए होंगे, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।